आजमगढ़ का कुख्यात माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू को बृहस्पतिवार दोपहर गैंगस्टर कोर्ट में सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच पेश किया गया। गैंगस्टर के दो मुकदमे में व उसके गिरोह के चार बदमाशों के खिलाफ आरोप का निर्धारण होना था। एक आरोपी रिजवान के फिर कोर्ट में ना पेश होने के कारण जज रामानंद ने केस की सुनवाई की अगली तिथि 12 अप्रैल मुकर्रर कर दी है। यह भी आदेश जारी हुआ कि सुनवाई की अगली तिथि तक कुख्यात माफिया को मंडलीय कारागार में ही रखा जाए। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अंतर्गत छपरा सुल्तानपुर निवासी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू के खिलाफ कुछ दिन पूर्व ही गैंगस्टर मामले में 10 वर्ष की सजा हुई थी। उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे सजा दिए जाने की जानकारी दी गई थी। बृहस्पतिवार को गैंगस्टर के अन्य दो मामलों में पूरे गिरोह के खिलाफ आरोप का निर्धारण होना था। कुंटू सिंह को पुलिस ने दोपहर में गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया, लेकिन सुनवाई की 12 अप्रैल को तारीख मुकर्रर कर दी गई है। विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी और विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि जीएनपुर पुलिस ने कुंटू सिंह और उसके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में 2 मुकदमा दर्ज किया था। ध्रुव सिंह, शिव कुमार, सुरेंद्र, रिजवान तथा एहसान इसमें आरोपित हैं। कुंटू सिंह के अलावा सभी आरोपी जमानत पर सलाखों के बाहर हैं। दोनों मुकदमों में आरोप निर्धारण की कार्रवाई होने से ध्रुव सिंह, सुरेंद्र, शिव कुमार, एहसान और रिजवान को पेश होना था, लेकिन एक आरोपी रिजवान के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से आरोप तय होने की कार्रवाई पूरी होने से रह गई। इससे पूर्व 4 अप्रैल को भी रिजवान के पेश न होने के कारण सुनवाई की तिथि 7 अप्रैल मुकर्रर की गई थी। उधर पूर्व विधायक सीपू हत्याकांड में जो फैसला 7 अप्रैल को आना था, उसमें भी सुनवाई की अगली तिथि 12 अप्रैल मुकर्रर की गई है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।